वाले समय में निसंदेह हम सिर्फ चुनावों के दौर में ही नहीं बल्कि जिस तरह मोदी सरकार में 27 ओबीसी के मंत्री शामिल हुए हैं, इस तरह ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। जाति जनगणना पर संसद के भीतर बीजेपी सांसद का ये बयान एनडीए में चल रहे द्वंद को सामने रख रहा है। एनडीए के साथी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले पिछले महीने जाति जनगणना के मुद्दे को हवा दी। इसके बाद संसद में संघमित्रा के बयान के पहले कुछ और बीजेपी सांसद अपने बयानों में इसका समर्थन कर चुके हैं। उधर एसपी, बीएसपी और यहां तक कि कांग्रेस समेत लगभग समूचे विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया है और जाति जनगणना के मुद्दे के बहाने ओबीसी के सवाल पर सरकार पर हमलावर हो रही है। चर्चा चलती रहती है और जो चर्चा चलती कई बार सही हो जाती है। ये है कि जब नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुजर, मान्यवर आप भी गुजरी हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही, आप देखिएगा आगे चल के कोई न कोई बहाना ढूंढकर इन जातियों को कि इनमें पढ़े लिखे हो गए। हालांकि अगर कास्ट सेंसस के हिसाब से सारी चीजें सेंसस में आ जाए तो कभी नहीं आउट की जा सकती है, लेकिन ये की जाएंगी। जाति जनगणना का मुद्दा ऐसा है जिसे विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी जोर शोर से समर्थन किया था। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। अब जब बीजेपी सरकार में है तो पहले सामाजिक आर्थिक सर्वे में सामने आए जातियों के आंकड़ों को जारी करने से इनकार किया और इसके बाद जाति जनगणना को नकार रही है। आज भी राज्यसभा में रखे गए जवाब में सरकार ने जाति जनगणना पर साफ मना किया है। लेकिन अब जब संघमित्रा मौर्य जैसे बीजेपी के सांसद जाति जनगणना के पक्ष में हैं, नीतीश कुमार जैसे सहयोगी लगातार जाति जनगणना के लिए दबाव डाल रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, तो सरकार क्या लंबे समय तक इस मांग को ठुकरा सकेगी? आज तक ब्यूरो। सवाल यह है, जाति गिनने में आखिर सरकार की मुश्किल क्या है? 16वीं जनगणना यह होगी जो होने जा रही है 2021 में, पूरी तरह से डिजिटल होगी, लेकिन सरकार का ये ऐसे मुद्दे है जिसको लेकर अपना स्पष्ट बार बार कर रही है साफ, ये कहते हुए कि जातिगत जनगणना के पक्ष में हम नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए खास मेहमानों से अपना तारुफ करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।